चलिए ग्वालियर से हमें इस वक्त की अपडेट मिल रही है। सीधा रुक करते हैं ग्वालियर से आ रही इस वक्त की खबर का जानकारी। आबकारी विभाग की टीम पर यहां हमला हुआ है, बताया जा रहा है शराब माफिया ने ग्वालियर के आबकारी विभाग पर फायरिंग की है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार कांस्टेबल संजय भदौरिया को गोली लगी है। आबकारी विभाग की टीम यहां पर अवैध शराब पकड़ने के लिए पहुंची थी, जिस बीच शराब माफिया ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी है, जिसमें कांस्टेबल संजय भदौरिया घायल हो गए हैं। पूरा मामला ग्वालियर के हजारी थाना क्षेत्र का, यह घटना मंत्री प्रद्युमन सिंह के घर के पास की बताई जा रही है। अवैध शराब पकड़ने गई थी टीम, जिस बीच शराब माफिया ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी चपेट में आकर कांस्टेबल संजय भदौरिया घायल हो गए हैं। ग्वालियर के हजारी थाना क्षेत्र की तस्वीरें, आबकारी विभाग की टीम पहुंची थी यहां पर छापा मारने, जिस बीच शराब माफिया ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हुआ है। मेरे गोली लगी है, हमारी गाड़ी को गोली लगी थी और हम गाड़ी स्पीड से चला के कांच में लगा रहे थे, फिर निकल आए। हाँ, जब स्वाभाविक सी बात है, आप किसी घर जाओगे तो अपराधी है सोनू पाल, बाबा पाल, ये स्ट्री स्वीटर है अजीरा थाने से, माननीय और आबकारी ने भी 26 जनवरी को 34-2 बनाई थी हम लोगों ने, हमेशा ये ब्लैकरी करते हैं। और माननीय प्रद्युमन सिंह तोमर मंत्री जी के घर के बिल्कुल बगल से इन्होंने गोली चलाई है, कितने एक हो गए अपराध। और हमारी रेगुलर जो आबकारी की पेट्रोलिंग है वो चल रही है, इनको गोली लगी है।